हाय दोस्तों, दिल से नमस्कार। दोस्तों आज आपको ऐसा टिप्स दूंगा काय के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, रील्स कैसी वायरल करना, वो हर कोई जानता है मगर हर कोई नहीं जानता है, उसके बारे में बताऊंगा आप रील्स के बारे में। क्योंकि सब डालते जाते हैं इंस्टाग्राम पर दे रे मुँह भर भर के मगर उसमें खिचड़ी कर डालते हैं। मगर मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा सही तरीका और वीडियो डालने का सही तरीका। क्योंकि आप एक काम करना, पहले नंबर तो आप जब रील्स डालो इंस्टाग्राम की, तब क्या करना कि आपका भी एक हैशटैग ज़रूरी चाहिए। आपका जब हैशटैग तैयार रहेगा तो आपका हैशटैग क्या करेगा कि आपका, अगर आपकी रील वायरल हो रही है तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये रील कैसे वायरल हुई है, चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका कंटेंट और आपका हैशटैग, तो खुद का हैशटैग बना लीजिए, चाहे नाम का बना लीजिए, कुछ नहीं है, आपका नाम का बना लीजिए आप या किसी चीज़ का बना लीजिए, मगर ज़्यादा लंबा मत बनाइए, स्पेलिंग ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। आपके जितना नाम का है हैश डाल दीजिए और आपका नाम डाल दीजिए, या कुछ भी आपका हिसाब से हैशटैग 5-10 अंक का बना लीजिए, जैसा भी बनाना, मगर हैशटैग ज़्यादा महत्व रखता है। और कोई कहता है रील से वायरल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? होगी, अवश्य होगी, रील वाइज एकदम से वायरल हो जाएगी। सॉरी, क्या करना कि जब भी आप वीडियो पोस्ट करते हो कि हमेशा टाइम बना लेना, 11 बजे करना है ना, 11 बजे वीडियो अपनी करना है पोस्ट, क्योंकि उस टाइम पर आपके जब टाइम को पकड़ेंगे लोग कि यार अपने जो फॉलोवर है वो उस टाइम का इंतज़ार करते हैं कि भाई रील्स इतनी बजे डलती है, तो वो टाइम पकड़ लेते हैं, तो ड्रग से आपके रील से अपने फॉलोअर में इंस्टाग्राम भेज देता है, जिसके बाद में क्या होता है कि वो लोग आपकी रील से देख लेते हैं पूरी, वही लोग आपकी रील से देख लेते हैं। रील्स अच्छी बनाना, आप इंस्टाग्राम की वीडियो भी ऐसी बनाना चाहिए कि कोई देखे उनको लगे कि हाँ हमारी रील से बनी है, अपने आप को लगना चाहिए कि अपनी रील से अच्छी बनी है, तो दूसरों को भी, दोस्तों को बताओ क्या भाई हमारी रील्स कैसी लग रही है, दोस्तों को पूछते रहना चाहिए, तो दोस्तों उनसे कुछ राय मिलती है, तो वो राय क्या रहती है, कोई कहता है यार इसमें ये खामी है, कोई कहता है ये खामी है, क्योंकि हमारे हजारों दोस्त रहते हैं, तो उसके कारण ये मत सोचो कभी भी कि हम, अरे यार मैं ऐसा करूँगा तो मेरी रील से वायरल होगी, नहीं, आपके हजार दोस्त हैं तो हजार दोस्तों को राय लीजिए, एक बार पोस्ट डालिए कि भाई मैं कैसी रील से डालूँ, मेरी ये रील से कैसी थी, तो आपको कैसी लगी, तो वो कमेंट्स में बताए मैसेज करेंगे या कॉल लगाएंगे आपके पास, तो आपसे बातें करेंगे कैसी सी करें, तो वो क्या होता है कि जैसे कि 10 मान लो हजार लोग ने आपको कुछ उसकी राय दी है रील्स के बारे में, तो आपकी रील्स में उसी प्रकार आप रील्स बनाने की कोशिश करिए, और सही टाइम 11 बजे का इंस्टाग्राम की रील्स का। जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो में क्या करेंगे कि आप एक खुद का हैशटैग डालोगे और आप एक ट्रेंडिंग हैशटैग डालोगे, बस कुछ नहीं करना। और कभी भी ये एक दूसरे मोबाइल से रील्स तैयार करना है और इस मोबाइल में उतारना है वो भी मत करना रोज़, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी वीडियोस फट जाती है। वीडियोस के ऊपर कभी भी फिल्टर मत दो, कुछ मत करो फिल्टर वगैरह। खुद का कंटेंट अगर वायरल करना है तो पहले दूसरे के कंटेंट पे आपको वीडियोस तैयार करनी पड़ेगी, जो ट्रेंडिंग कंटेंट चल रहे हैं उनके ऊपर आप वीडियो बना डालो। कैटेगरी, जो एक ही कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे तो उसी कैटेगरी को आप वीडियो बनाते जाओ, उसी कैटेगरी पे वीडियो बनाते जाओ, उसको सिलेक्ट कर लो आप, क्योंकि वो जब आपकी कैटेगरी सिलेक्ट रहेगी, मान लो कोई सी भी, या रोमांस हो, मिक्स मतलब कुछ भी फनी वगैरह, कॉमेडी या डांसिंग, तो जो कॉमेडी मान लो आपकी या रोमांस या डिस्को कुछ भी हो, तो उसी कैटेगरी में इंस्टाग्राम ले जाकर आपकी वीडियो बताएगा, क्योंकि कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करना चाहिए, सबसे बड़ा काम वही है। और बनाते जाओ, ये नहीं कहूँगा आपकी रील कब वायरल हो जाती है, हल मत तोड़ने की कोशिश करो एकदम से, हल मत गिनो कभी भी, आप उसका इंतज़ार करो, एक दिन आपकी रील से वायरल नहीं हो जाएगी तो मुझे कहना, ज़रूर होगी आपकी रील से वायरल, ये मेरा दावा है
और अगर रील्स वायरल नहीं हुई उस रोज मुझे भूल जाना, बहुत जल्दी होगी। तो इसीलिए दोस्तों चैनल पे अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइबर कर लीजिए फटाफट, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों अगर हो सके तो, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, और लाइक कमेंट करते रहिए। ओके बाय बाय, मैं चलता हूँ और मिलेंगे अगली यानी कि आने वाली ब्लॉग में। बाय बाय, बहुत कुछ दिखाऊंगा आगे। ओके।